नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे सनातन विशेष योगी का सुदर्शन संदेश, क्योंकि सीएम योगी ने कट्टरपंथियों को लेकर हिंदुओं को बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है। वहीं आपको दिखाएंगे मठाधीश पर लड़ाई अखिलेश की सफाई, जिसमें आपको दिखाएंगे आखिर साधु संतों के लिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। वही बात होगी आकाश की तैयारी, कांग्रेस में सेंध मारी, क्योंकि मायावती से फ्री हैंड मिलने के बाद अब आकाश आनंद के निशाने पर कांग्रेस पार्टी। साथ ही बात करेंगे संगठन में फेरबदल, खिलेगा कमल, क्योंकि जल्दी ही यूपी बीजेपी में ऊपर से लेकर निचले स्तर तक सर्जरी होने वाली है। और आखिर में बात प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की, लेकिन उससे पहले बात सनातन के नाम योगी के पैगाम। बात सीएम योगी के सुदर्शन संदेश की। दरअसल सीएम योगी आज त्रिपुरा में थे, जहां वो सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सनातन के नाम बड़ा पैगाम दिया। सीएम योगी ने न सिर्फ धर्म की रक्षा और सनातन की बात दोहराई, बल्कि उन्होंने मुरली और सुदर्शन को लेकर भी बड़ी बात कही है। सीएम योगी ने कहा केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। साथ ही सीएम योगी ने कहा देश और धर्म को सुरक्षित रखना है, इसलिए सनातन धर्म को एकजुट रहना होगा। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने साफ कर दिया कि सनातन धर्म को एकजुट इसलिए भी होना पड़ेगा ताकि किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। हिंदू, हिंदुत्व और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा से सनातन विरोधियों पर तगड़ा प्रहार किया है। योगी ने देश के दुश्मनों के लिए सख्त और सुदर्शन संदेश दिया। योगी ने बता दिया केवल मुरली से काम नहीं चलने वाला, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कि जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। सीएम योगी ने न सिर्फ सुदर्शन संदेश दिया, बल्कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए भी खास मैसेज दिया। उन्होंने कहा हमें देश और धर्म को सुरक्षित रखना है। अयोध्या, मथुरा, काशी सनातन के तीन स्तंभ हैं। हमने दंगाइयों के लिए बुलडोजर दिया तो भक्तों के लिए श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही कहा केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। यानी मुख्यमंत्री योगी का मैसेज क्लियर है, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है यतो धर्मस ततो जय। मंच चाहे जो भी, सीएम योगी सनातन का झंडा जरूर बुलंद करते हैं, साथ साथ दंगा करने वालों के लिए बुलडोजर और भक्तों के लिए राम मंदिर का संदेश देते हैं। और ऐसा ही कुछ त्रिपुरा में देखने को मिला। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया।
और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। दरअसल सीएम योगी आज त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन त्रिपुरा से उन्होंने जो संदेश दिया उसकी चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।